ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव की पहचान योग गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर की है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि सदगुरु अच्छे चित्रकार भी है। गुरुवार को उनकी एक पेंटिंग 4.14 करोड़ की बिकी। इस नीलामी में मिले सारे पैसे को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए बनाए गए बीट द वायरस फंड में दिए गए हैं। ये फंड कोयम्बटूर के थोंडामुथुर ब्लॉक के गांवों में कोरोना वायरस के प्रवेश को रोकने के लिए बनाया गया है। पेंटिंग का नाम है टू लिव टोटली। ये 5 फीट लंबे चौड़े कैनवास पर उकेरी गई है, जिसमें पृथ्वी पर जीवन को उकेरा गया है। हाल ही के एक सत्संग में सदगुरु ने घोषणा की थी कि जो भी बीट द वायरस फंड के लिए सबसे अधिक धनराशि दान करता है, उसे ये पेंटिंग मिलेगी। पेंटिंग की छोटी साइज की प्रतियां भी खरीदने वालों के लिए उपलब्ध होंगी। बीट द वायरस ईशा का धरती से जुड़ा अभियान है, जो महामारी को थोंडामुथुर ब्लॉक के, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, गांव में प्रवेश करने से रोकने के लिए है। रोजाना 700 ईशा फाउंडेशन के वॉलंटियर्स ताजा बना भोजन गांव में बांटते हैं और साथ ही प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाला एक नील वेम्बू कषायम पेय भी देता है। रोजाना के पोषण के अलावा वॉलंटियर्स जागरूकता बढ़ाने, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और अग्रिम कर्मियों और प्रथम उत्तरदाता को सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने में प्रशासन की सहायता कर रहे हैं। ईशा की महामारी राहत गतिविधियां समाज में भूखमरी रोकने की ओर केंद्रित है। महामारी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया है और गांवों में लाखों लोगों की आजीविका चली गई है। अधिकतम ग्रामीण आबादी रोजाना की कमाई पर निर्भर है और महामारी को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन से वे सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और हमारे ऐसे ही और भी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।